हाय गाइस, व्हाट्स अप। माय नेम इज सजदा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इधर ई डेढ़ महीने से आई वाज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ माय स्किन, और अभी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से आई थॉट कि व्हाई नॉट जस्ट डू अ सेल्फ केयर पैम्परिंग रूटीन काइंड ऑफ थिंग, एंड व्हाई नॉट जस्ट डू इट ऑन यूट्यूब। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन, जो कि बहुत ज़्यादा नीडेड है अगर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वरना आई लाइक टू कीप इट सिंपल। आई यूज़ अ क्लेंजर जो कि था पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी का, एंड देन क्विकली आई जस्ट फिक्स माई आईब्राउज यूजिंग दिस रियली सिंपल ट्वीजर। स्क्रब की जगह पे मैंने यहाँ पे मदर्स पर्श का रोज़ एंड बीटरूट फेस उपटन लिया है, एंड ट्रस्ट मी गाइज, इट वर्क्स अमेजिंग ऑन माई स्किन। रोज एंड बीटरूट ब्राइटनेस को रीस्टोर में हेल्प करता है, और क्योंकि मेरी स्किन अभी बहुत ज़्यादा डल, बहुत ज़्यादा अनइवन हो रही है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और नेक को कभी भूलना मत। फॉर माई लिप्स आई एम यूजिंग दिस गुड वाइब्स का लेमन लिप स्क्रब, और ये मेरे लिप्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल बना देता है। एक या दो मिनट तक ही आपको स्क्रब करना होता है अपने लिप्स पे, एंड दैट्स इट। लेमन का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, ऑल द वे आर नॉट सपोज टू ईट इट, बट कभी कभी वो टेस्ट मुंह में चला जाता है, विच इज़ आई गेस ओके। सो यस, 10 मिनट रखना है एंड देन वी विल हैव टू वॉश इट ऑफ। जस्ट लुक एट माई स्किन, कितनी ज़्यादा ग्लोई लग रही थी यार। मास्क के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है पॉन्ड्स का गोल्ड ब्यूटी पील ऑफ मास्क फॉर गोल्डन ग्लोइंग स्किन, एंड ट्रस्ट मी गाइस, ग्लो तो देता है यार, फॉर श्योर ग्लो देता है। इसको 15 मिनट तक रखना है एंड देन यू हैव टू पील इट ऑफ। सटल सा ग्लो दे देता है आपके चेहरे पे, विच इज़ समथिंग दैट आई नीड द मोस्ट राइट नाउ फॉर माई स्किन, क्योंकि अभी मेरी स्किन बहुत 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 ज़्यादा डल हो चुकी है। आई मीन, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में नहीं है जितने प्रॉब्लम्स अभी मेरे स्किन पर हैं। ब्लैक हेड्स, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स, ब्लेमिशेस, क्या नहीं है यार। सो दिस इज़ द मास्क दैट आई नीडेड द मोस्ट राइट नाउ। काफ़ी अच्छे से ग्लो दे देता है 15 मिनट्स के अंदर, सो इफ़ यू आर इन अ हरी एंड यू नीड दैट ग्लो, यू कैन गो फॉर दिस। इसके बाद आता है मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट, दैट इज़ द क्लेंजिंग चारकोल नो स्ट्रिप बाय हिप हॉप। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ दैट इट अनक्लॉग्स द पोर्स, और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है एंड इंस्टेंट रिजल्ट देता है। अगर आपके नोज़ पे ब्लैक हेड्स है या वाइट हेड्स है, यू कैन श्योरली गो फॉर दिस। बहुत ही ज़्यादा पेनलेस मेथड है एंड यू गेट टू सी इंस्टेंट रिजल्ट्स। इसको हमेशा वेट नोज़ पे चिपकाना है, वेट नोज़ पे लगाना है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि अगर आप ड्राई नोज़ पे लगाओगे तो ये स्टिक नहीं करेगा, एंड देन यू हैव टू लेट इट ड्राई फॉर अराउंड 15 मिनट्स। जब आपको लगे कि ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, देन यू हैव टू पील इट ऑफ, और जितना भी आपका इम्प्योरिटीज़ होगा, जितना भी आपका पोर्स क्लॉग्ड होगा, वो सारा अनक्लॉग हो जाएगा। You get to see the results instantly. आपका जो nose area है, that will feel much more softer and much more even. मेरे nose area की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, काफ़ी ज़्यादा clogged हो गए थे मेरे pores, क्योंकि मैंने कोई अच्छा सा स्किन केयर किया नहीं था एक डेढ़ महीने से, तो काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब थी। बहुत सारे ब्लैक हेड्स थे, बहुत सारे वाइट हेड्स थे, एंड आई नो इट्स रियली 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 ग्रोस। Now for the toner, I'm going to use this Good Vibes का Rose Glow Toner, and let me tell you guys, the smell is freaking amazing. इसका जो rose वाला smell है ना, that is so 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 refreshing that I just like to spray it on my face again and again just for that smell. And this is my all time favorite for sure. आज अच्छे से स्किन केयर करना था तो शीट मास्क कैसे नहीं लगेगा यार। So for the sheet mask, I'm using Rio Herbs का Age Defying Sheet Mask. I'm 26 years old and I have started noticing some fine lines around my lip area and around my eyes area. So this is something that I need the most right now. और क्योंकि अभी अच्छे से स्किन केयर हो रहा है तो इसको कैसे छोड़ सकते हैं। This Rio Herb Sheet Mask has rice, pomegranate and retinol in it, और ये तीनों ingredients age defying properties के साथ आते हैं। So this sheet mask is supposed to reverse or slow down your aging process, and being a 26 year old girl, I think I need this currently in my life and in my skincare routine as well. इसको 15 मिनट तक लगाना है एंड देन यू हैव टू जस्ट टेक दैट आउट एंड अच्छे से इसको अपनी स्किन के अंदर अब्जॉर्ब करवाना है। आई लाइक टू मसाज द सीरम इनटू माय स्किन फॉर अराउंड 2 to 3 मिनट्स। यू कैन आल्सो लीव इट एंड लेट इट ड्राई ऑन इट्स ओन। नाउ शीट मास्क आपको
हर दिन नहीं लगाना होता है, हर हफ्ते नहीं लगाना होता है। शीट मास्क जो है वो महीने वाली चीज़ है, लाइक आप महीने में एक बार या दो बार लगा लो एंड दैट विल डू द वर्क। दैट्स दैट फॉर द शीट मास्क। नाउ कमिंग फॉरवर्ड वी हैव दिस एम कफीन का कॉफ़ी अंडर आई क्रीम। दिस प्रोडक्ट बाय एम कफीन एंड उनका जो बॉडी स्क्रब है दैट इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन यूजिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई विल कीप यूजिंग दिस इन द फ्यूचर एज वेल, क्योंकि ये दो चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड दे वर्क रियली गुड ऑन माई स्किन। और अभी मेरी आईज़ थोड़ी सी ज़्यादा पफ़ी रहने लगी है, सो आई नीड दिस अंडर आई क्रीम राइट नाउ। ऑल्सो ये आईज़ के आस पास के जो फाइन लाइन्स होते हैं उनको भी ट्रीट करता है। नाउ फॉर माई मॉइस्चराइजर आई एम यूजिंग दिस रियो हर्ब्स का वाटर क्रीम विथ हाइलुरोनिक एसिड एंड सी मिनरल्स। सी मिनरल्स जो है दैट इज़ सपोज टू रिफाइन स्किन टेक्स्चर, रिड्यूस फाइन लाइन्स एंड रीस्टोर फॉर्मनेस। आपको मेरे स्किन केयर रूटीन पे अभी फ़िलहाल काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दिखेंगी दैट हैव एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ बिकॉज माई स्किन रिक्वायर्स दैट। द कलर ऑफ द क्रीम इज सो 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 ब्यूटिफुल यू गाइज एंड ऑल्सो द स्मेल, इट्स डैम गुड। नाउ दिस इज़ अ वाटर बेस्ड क्रीम, सो ये काफ़ी जल्दी अब्जॉर्ब होता है स्किन में, यू डोंट हैव टू स्ट्रगल अ लॉट एंड इट इज़ ऑल्सो नॉन स्टिकी। इट गिव्स यू अल्ट्रा हाइड्रेशन, ग्लोइंग एंड ऑयल फ्री स्किन। अब क्या चाहिए भाई एक मॉइस्चराइजर से, दिस इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइजर बाय फार दैट आई हैव यूज्ड। यार मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी इसको लगाने के बाद, आई कांट इवन टेल यू गाइज, मतलब एकदम बेबी सॉफ्ट स्किन होती है ना वो वाली स्किन थी। लास्ट स्टेप आई एम यूजिंग द सनस्क्रीन बाय रियो हर्ब्स। दिस इज़ द सनस्क्रीन प्रोटेक्शन स्प्रे SPF 50। इसके दो कैप्स थे, एक भुला जाए तो दूसरा रखो, दैट इज़ वाओ। ऑल्सो दिस इज़ अ लाइट वेट नॉन ग्रीजी डेली यूज SPF स्प्रे फॉर फेस एंड बॉडी एज वेल। ऑल्सो इट डिफेंड्स फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड स्किन डैमेज फ्रॉम UVA एंड UVB रेज। स्प्रे फॉर्म में है तो इट्स कम्प्लीटली हैसल फ्री, यू जस्ट हैव टू स्प्रे इट ऑन एंड लेट इट ड्राई फॉर अराउंड 5 to 10 minutes एंड यू आर डन। Now for the body, I'm using this Plump Body Lovin' ka body yogurt in the variant banana. It is really good in giving the hydration the body requires and the smell is of course really 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 good. So yes, that's it for today's video guys. Ye tha mera 10 step skincare routine when I need to pamper my skin kyunki bahut zyada kharab ho rakhi thi. I hope so ki ab meri skin mein kuch changes aaye and yes, we'll see you soon in my next video. If you like this video then please do like, share, comment and subscribe. Bye.